आपकी सफलता में एटीट्यूड का क्या रोल है? बी एकलव्य में मैं राकेश भटनागर फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे कहते हैं एटीट्यूड। सभी लोग जानते हैं कि एटीट्यूड एक जिम्मेदारी भरा शब्द है और ये पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आप सब सक्सेस हैं तो एटीट्यूड की वजह से हैं, नहीं हैं तो एटीट्यूड की वजह से हैं। सुबह जल्दी उठते हैं तो एटीट्यूड की वजह से, लेट उठते हैं तो आपका एटीट्यूड है। आप अच्छा बोलते हैं आपका एटीट्यूड है, आप सही काम करते हैं आपका एटीट्यूड है, आप अच्छे काम करते हैं आपका एटीट्यूड है, जो भी चीज आप करते हैं वो सब आपका अपना एटीट्यूड है। तो जानते हैं एटीट्यूड क्या चीज है आखिर ये। तो एटीट्यूड लोग जानते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और नेगेटिव एटीट्यूड। किसी ने मुझसे पूछा कि सर आप मुझे बताइए कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैसे रहें, हम पॉजिटिव हमेशा कैसे रहें, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी कैसे जनरेट हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के एक एटीट्यूड है जिसे कहते हैं क्रिएटिव एटीट्यूड। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो नेगेटिव और पॉजिटिव से ऊपर उठ जाइए, नेगेटिव और पॉजिटिव से ऊपर उठ जाइए और आप बन जाइए क्रिएटिव। क्रिएटिव एटीट्यूड जब जब होगा तब तब एनर्जी आपके अंदर से जनरेट होगा, तब तब नया आइडियाज आपके अंदर से निकलेगा, तब तब आपका मन काम करने का करेगा, तब तब आप जल्दी उठेंगे, तब तक आप नया टारगेट बनाएंगे, तब तब आप नई प्लानिंग बनाएंगे और तब तब आप प्रैक्टिकल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और तब तब आपको नई चीज़ें मिलेंगी और आपके अपने जो टारगेट्स होंगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे और वो निश्चित रूप से पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव के चक्कर में अगर आप पड़े रहे तो कभी आप काम करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी सुबह जल्दी उठेंगे कभी नहीं उठेंगे, कभी टारगेट बनाएंगे कभी भूल जाएंगे, कभी पढ़ाई करेंगे कभी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आती रहेंगी जाती रहेंगी, होता रहेगा नहीं होता रहेगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो दो चीज़ें हैं इनको दूर रखिए और अपने आप को बनाइए क्रिएटिव। कैसे बनाएंगे क्रिएटिव आप, तो उसके लिए आपके सामने जीता जागता उदाहरण है आपकी प्रकृति। आप बाहर निकलिए और घर के सामने आप देखेंगे एक पेड़ को, वो क्रिएटिव है, उसके पत्ते गिर जाते हैं फिर भी वो क्रिएटिव है, दोपहर में भी क्रिएटिव है, शाम को भी क्रिएटिव है, सुबह भी क्रिएटिव है, उसके कोई फल तोड़ लेता है फिर भी वो क्रिएटिव है, उसके अंदर से एक नई शाखा निकलती है क्रिएटिविटी है, नया फूल निकलता है क्रिएटिविटी है, उस पर फल लग जाता है क्रिएटिविटी है, वो फल गिर जाता है क्रिएटिविटी है, वो हार नहीं मानता, हमेशा क्रिएटिव रहता है। जितने भी पक्षी हैं वो ना नेगेटिव होते हैं ना पॉजिटिव होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं ना वो नेगेटिव होते हैं ना पॉजिटिव होते हैं, ये हवा कभी ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, ये जो सूर्य की जो रोशनी है ये कभी नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, ये जो पानी है बहता हुआ ये कभी ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, लेकिन इंसान कभी नेगेटिव हो जाता है कभी पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको भी अगर क्रिएटिव रहना है तो इस प्रकृति से सीखिए आप, इन पक्षियों से सीखिए आप, इन एनिमल से सीखिए आप, इन पेड़ पौधों से सीखिए आप, इन उगते हुए छोटे छोटे पौधों से सीखिए आप, इन फसलों से सीखिए आप, ये आपको सिखाएंगे कि ये क्रिएटिव है। क्रिएटिव कैसे रहा जाता है, तो जब जब आपका मन नेगेटिव पॉजिटिव में उलझे तब तब आप सिर्फ घर से बाहर निकलिए और एक बार इनका नज़ारा देखिए, इस आसमान को देखिए, रात में उन तारों को देखिए, हमेशा क्रिएटिव। बादल आ जाए फिर भी क्रिएटिव, कोई भी धूप हो जाए छाव हो जाए क्रिएटिव। तो उससे सीखिए आप, इस प्रकृति से नेचुरलिटी में आइए और ये क्रिएटिविटी अपने अंदर, अगर आप बाहर से क्रिएटिव रहेंगे और अंदर बाहर की क्रिएटिविटी को देखते रहेंगे तो आप भी फुल एनर्जेटिक हो जाएंगे और आप हमेशा क्रिएटिव रहेंगे। और जब आप क्रिएटिव रहेंगे तो कोई भी टारगेट आप बना लीजिए, कोई भी टारगेट बना लीजिए आप, कभी आपको डर लगेगा ही नहीं, कभी आपके अंदर लालच आएगा ही नहीं, आप क्रिएटिविटी के आधार पर बढ़ते जाएंगे और आपका जो भी टारगेट है वो आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से नेचुरल हो जाए, यूनिवर्सल हो जाए, क्रिएटिव हो जाए। चाहे वो काम आप कोई भी कर रहे हैं उसमें क्रिएटिविटी शामिल होनी चाहिए। तो हम आपके लिए लगातार ये वीडियो लाते रहे हैं और लाते रहेंगे और अगली बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ, बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास, 501 टॉपिक तो ऑलरेडी हमारे पास तैयार हैं, तो बस आप इनको जानने के लिए तैयार रहिए, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी लाइफ में अगर इन वीडियोस से आपको थोड़ा सा भी अंतर मिलता हो, कुछ आपको अच्छा फर्क पड़ता हो, कुछ आपको एनर्जी अगर मिलती हो
कुछ आपको रास्ता मिलता हो, कुछ आपको आइडियाज मिलते हो, तो आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को, और इस वीडियो को आप किसी और को शेयर करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।